सब्सक्राइब कीजिए राहुल टेक्नोलॉजी के चैनल्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो सर, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हमारे यूट्यूब चैनल राहुल टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल्स में आप सभी को बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला फ्रेंड्स कि अपनी यूट्यूब की एक्सपायरी वीडियो को कैसे डिलीट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप अपने चैनल पर कोई भी वीडियोस को आप अपलोड कर देते हो तो फ्रेंड्स, आपके वीडियो पर कोई जो है वीडियो पर कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या वार्निंग स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो आप जो उस वीडियो को रिमूव करने के लिए गाइस आप यूट्यूब वालों को आप अपील करते हो, जब आपका अपील जो है रिजेक्ट हो जाता है तो गाइस वो जो कॉपीराइट हो या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो या वार्निंग स्ट्राइक हो, तो गाइस वो जो है आपका 90 दिन में जब आपका रिमूव हो जाता है तो गाइस वो जो वीडियो आपके यूट्यूब में ही पड़ा रहता है। तो गाइस उसी वीडियो को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजबल होने वाला है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा जो कि आप अपने स्मार्टफोन से या लैपटॉप से उस वीडियो को आप डिलीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आप यह सब सीखना चाहते हो कैसे डिलीट होता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ एंड आपको इस वीडियो के अंदर प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, यदि आप हमारे यूट्यूब वीडियो को आप लाइक नहीं करो तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आ गए तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग ऑल पर सेलेक्ट करके रखना, क्योंकि मैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल्स पर हर रोज लाते रहूँगा और आपके फ़ोन पर हमारा नोटिफिकेशन जाता रहेगा और हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब की वीडियो को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं अपने क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशंस को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसे आप अपने क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशंस को आप ओपन करोगे तो कुछ लग सा पेज ओपन हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है www.youtube.com, यहाँ पर आपको गाइस आपको सर्च कर देना है। तो गाइस, जैसे आप सर्च करोगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो गाइस, आपको सबसे पहले आपको ये जो है आपका डेस्कटॉप सेट को ओपन करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको नीचे दिख जाता है डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन, इस पर आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये जो आपका पेज है डेस्कटॉप साइट जैसा ओपन हो जाता है। तो गाइस, जैसे ये डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगा तो गाइस यहाँ पर आपको जूम करना है। जैसे आप जूम करोगे गाइस तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिल जाता है आपके चैनल का लोगो, इस पर आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको थंबनेल नंबर पर मिल जाता है यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन, इस पर आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे आप अपने यूट्यूब स्टूडियो के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको जूम करना है। जूम करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है एक वीडियो का ऑप्शन, इस पर आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे आप अपने वीडियो के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके चैनल में जितना वीडियोस अपलोड रहेगा यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। तो गाइस, आपको उस वीडियो को ढूंढना है जिस वीडियो पर आपके कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या कॉपीराइट स्ट्राइक या वार्निंग स्ट्राइक आई है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ। तो गाइस, अगले पेज पर जाने के लिए यहाँ पर आपको जूम करना है। जूम करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है एक नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर आपको गाइस क्लिक कर देना है।
तो फ्रेंड्स जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो वीडियो पर कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या वार्निंग स्ट्राइक आई है तो यहाँ पर आपको वीडियो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो अब मैं अपना दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए इस वीडियो पर मेरा जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है। तो गाइस इस वीडियो को कैसे डिलीट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। गाइस इस वीडियो को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बार यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद गाइस आपको तीन डॉट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे नीचे आपको दिख जाता है डिलीट फॉरवर्ड का ऑप्शन, इस पर आपको गाइस क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो कुछ अलग सा पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको डिलीट फॉरवर्ड पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो आपका जो है डिलीट हो जाता है वीडियो। तो जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बस इसी तरह जो है अपने चैनल में किसी भी वीडियो को आप भी डिलीट कर सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कितना सिंपल था कि अपने यूट्यूब वीडियो को डिलीट करना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चैनल पर नया गए तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको प्रेस करके आप लोग ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल्स पर हर रोज़ लाते रहता हूँ आप लोग। तो सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो